हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बस आज ब्लॉग करा है, थोड़ी लेट स्टार्ट। अभी मम्मा परस रही हैं खाना, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या बनाया आज। कर रहे हैं लोला को खिचड़ी सर्व, क्योंकि लोला मैडम की हो रही है तबीयत खराब। मतलब उसको ना स्वॉलो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑफ टॉन्सिल्स। उसको कोल्ड हो रहा था ना, तो उसकी वजह से, तो इसलिए मम्मा ने उसके लिए बनाई है खिचड़ी। और मम्मा हमारे लिए क्या बनाए? आपके लिए मैंने बनाया वो अरबी की सब्जी रोटी। यस, और अरबी मेरा फेवरेट है। मेरी अरबी तो लोला की भी फेवरेट है, लेकिन क्या करें, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो खिचड़ी, इतनी खिचड़ी भी नहीं खा पाएगी। बताओ, इतनी खिचड़ी भी नहीं खा पाएगी। और खिचड़ी खाना ही उसके लिए वैसे भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वो दही के साथ ही खिचड़ी खाती है। दही नहीं है उसके पास, तो दही तो खा ही नहीं पाएगी वो। अब क्या करें यार, जब मना करा था केरी मत खा मत खा, और केरी और फ्रूटी ठंडी ठंडी, वो भी वही तो, और दिखा दिखा के फ्रूटी पी रही थी। मैंने एक केरी का पीस बोला था मुस्कान, वो मालूम क्या कर, प्लेट भर के तो केरी खा ली। प्लेट, जब मैं सो रही थी तो उसने कटोरा भर के केरी काटी और नमक मिर्ची से खा लिया। हाँ, ऐसे प्लेट में सजा के। दूसरे दिन देखो आपको सरप्राइज मिल गया ना। मैंने लोला को दे दिया था खाना ऊपर, और अभी मैं वापस ऊपर जब आई तो लोला मैडम ने फिनिश कर चुका है। मतलब मम्मी और मैं तो सरप्राइज्ड ही हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि लोला ये भी नहीं खा पाएगी, और लोला ने तो बिल्कुल पूरी प्लेट चट कर दी है, पूरी प्लेट। तो लोला, ओ माय गॉड, लोला की हालत देख ही सकते हैं आप। तो लोला मैडम ने पूरा खाना गुड गर्ल की तरह खा लिया है ना लोला। हाँ, अच्छा ही हुआ लोला आप स्कूल नहीं गए है ना आज। नहीं थी बिल्कुल ही, बस की नहीं थी। बाप रे, अभी भी लेटी हुई थी तो बताऊँ, उसके टीयर्स आ रहे थे। नहीं, वो क्या कह रही थी, आज मैं अगर स्कूल चली जाती ना तो मेरे को ना टीचर बहुत डांटती। मतलब क्यों? क्योंकि बोली अभी टाइम वही वाला चल रहा है, कोल्ड नहीं होना चाहिए, और उसको कोल्ड था। फिर पेरेंट्स पे भी बात आ जाती ना। लोला, सही बात है, सही बात है। लोला तो बहुत समझदारी की बातें करने लगी है ना। और आज का सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए खिचड़ी जल्दी खा ली, नहीं तो अभी तक तो लोला डहलर मलर चलता रहता है ना। लोलू पूरा दिन निकाल लेती तो खिचड़ी। लेट जाओ, थोड़ी देर सो जाओ अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। हाँ, वैसे 12 बजे तो सो के ही उठी हो। रात में कितने बजे सोई थी? 12 बजे नहीं, कल जल्दी सो गई थी, कल 11 बजे सो गई। लो साहब, 13 घंटे की नींद हुई है। कल तो जब मैं 13:30 से लौट के आई थी, जब सो चुकी थी। हाँ, तो 13 आवर्स की तो नींद हो गई। सही बात है, नींद तो नहीं आएगी है ना। तो बस अब मैं भी नहा धो के आ गई हूँ। आज मैंने करा हेयर वॉश, और आज मैं नहाने में कुछ एक्स्ट्रा ही लेट हो गई। मतलब अभी बज रहे हैं 4 और मैं अब जाके नहा के आई हूँ, और अब फाइनली मैं खा रही हूँ अरबी। मतलब लोला ने तो खिचड़ी खाई थी ऑफकोर्स, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसने खाई खिचड़ी, और मैं खा रही हूँ अपनी फेवरेट अरबी। पापा के भी आने का टाइम हो गया, तो बस पापा भी आ ही रहे होंगे, और फिर देखते हैं। ये राजू घर आ चुके हैं। राजू की यामा चली आ रही है। आ गए महाराज, आ गए महाराज। अरे हमने तो देख लिया था ना तुम कैमरे में कि तुम दुकान से निकल गए हो, तो मैंने लोला आज तो इसको यहीं के, हाँ ना, हमने सोचा था आज राजू को यहीं कैप्चर करेंगे भैया। कहाँ मार्केट के सामान लेने, बाद में मालूम पड़ा ऊपर रखा हुआ है, ऊपर उसने स्टोर रूम में रखा हुआ है, लोग नीचे बोले खत्म हो गया। हम्म, उसमें ढेर रखी हुई थी प्लेटें। अच्छा, वो डिस्पोजेबल? हाँ। हम्म, फिर की रखी हुई। मैंने बोला ना, मैंने कहा अभी तो 2 महीने खत्म नहीं होगी तुम्हारी, इतनी आएंगी। हाँ, तो बोले के अच्छा ऊपर देख लीजिए, कर फिर बताएगा तो सामान है कि नहीं है। हाँ, सही बात है ना, यानी तो वो क्या एक्स्ट्रा होता जाता, कोई मतलब नहीं रहता ना, वही चक्कर। डम करने से क्या मतलब है? और उसकी तबीयत कैसी है लोला की? लोला को यार बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है। हाँ, आंखों में से खूब आंसू निकल रहे हैं, उसकी हालत तो देखो अच्छा रही है ना, स्कूल भेज देते तो और हालत खराब हो। अरे वो तो और एग्जर्शन हो जाता ना, तो और ज्यादा खराब हो जाती रही। अभी कम से कम ये और 2-3 दिन मान के चलो अभी रहेगा उसका। हाँ ना, अभी डल डल पड़ी हुई है ना। चलो, हाँ हाँ बिल्कुल। पापा मम्मी को चाय दे दिए, और आज लोला को दूध की जगह खानी थी मैगी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, तो उनको था कि वैसे तो अच्छा टेस्ट आ नहीं रहा है, तो दादा आप कुछ ऐसा बना दो जो मुझे खाने में बहुत अच्छा लगे। तो बस खाने में तो एक ही चीज़ अच्छी लगती है, जो कि है मैगी। तो बस अब मैं ही हूँ किचन में और बना रही हूँ मैगी लोला के लिए।
लोला की मैगी अंडर प्रोसेस। लोला से वेट नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है बस कब मेरी मैगी बने और कब मैं इसको खाऊं। लोला की मैगी बनके हो गई है रेडी, अब हम लेके जाते हैं इसको ऊपर लोला के पास। जी लोला रानी, प्लेट में बोल रहा है। अब वो प्लास्टिक का बोल था ना, गरम गरम मैगी प्लास्टिक की बोल में नहीं खाते। ठीक है, सफिशिएंट है इतनी मैगी? हाँ, थैंक यू। पक्का कम तो नहीं है? यू आर वेलकम। हैं, होगी तो मालूम। अब तो सेवा करनी पड़ेगी। क्यों सेवा? सेवा करो, मेवा खाओ। तो तुम क्या मेवा खिलाओगी जिंदा को? चॉकलेट रखी थी। अच्छा, मेरी चॉकलेट मेरे को ही खिला रही है। वो तो लोला जिंदा की चॉकलेट है। बताओ जरा, मैगी खा लो। तो गाइस, आज मम्मी का बर्थडे है और अभी मम्मी का फोन आया था थोड़ी देर पहले कि वो लोग सब लोग यहीं आ रहे हैं। तो मुस्कान ने और लोला ने फाइनली उन लोगों के लिए केक ऑर्डर किया है, जो सरप्राइज है। अभी किसी को नहीं बताया है। अब देखो मम्मी पापा आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। ये है मेरा लाइफ। और ये लोला मैडम ऊपर से नीचे आई हैं, आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मगर तो उसमें भी लाइफ हैक करिए, देखो लाइफ हैक है कितना अच्छा। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है, ठीक है, तो आप अपने हेयर कैसे टाई करोगे? ये आपने मास्क लगा लिया। वो मास्क देखो कैसे गोल घुमा के लगाया है, देख रहे हो क्या करना है? मैं आपको भी दिखाती। देख रहे हो क्या? गजब यार, गजब। तो ये दो काम हो गए ना अभी। नानू नानी आएंगे तो इसको जो है थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसका वो काम भी चल जाएगा और उसकी छोटी भी हो जाएगी। बाल हो ना, पहले आपने एक साइड से बाल बांधे। वाह, और ये दूसरे साइड से भी वहां तक ले गए। लोला मिरेकल, मिरेकल। वाह, अमेजिंग। तो आज हम आए शॉप पे क्योंकि नानी का बर्थडे था, तो हम सीधा शॉप आ जाते हैं। नानी को कुछ खिलाते, बट अपेरेंटली नानी ने कुछ खाया नहीं। आई एम फीलिंग वेरी जेलस। लोला इज फीलिंग जेलस क्योंकि लोला कुछ खा ही नहीं पाई बेचारी गले के चक्कर में। और नानी का भी पेट भरा था, तो नानी ने भी कुछ नहीं खाया। हम आ गए घर और ये रहा नानी का केक। लोला करेंगे ओपन। लोला ओपन, अरे उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे क्या है वो, मेरे को पता है। हाँ तो खोल लो ना बस। इसको प्लेट में रखते हैं। बस ये केक रेडी है नानी का, अब लेके जाते हैं और कट करते हैं। लाइट ही ऑफ कर दी लोला मैडम ने तो। रख दो लोला, एक कोशिश करने दो। मैंने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। हो गई हार, हो गई इसकी। तो न्यूज़ लान दो फिर। और क्या, एक दिमाग से कौन है बात। आयु नानी, हैप्पी बर्थडे नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ खाओ खाओ। नानू का बढ़िया था। तो केक के बाद हम ये चाय। अरे बोल रहा था कि उधर की मैंने तो आप क्या चीज़ क्योंकि वो रिसेप्शन करने को मना रहा नहीं। तो मैं कौन सा अरे प्रश्न वाले की बस बहुत सारे सुबह के नाश्ते के मेनू पड़े हुए हैं दिन के, तो अपने लाके दे तो आपस में फंसे करा लो। तो नानी का बर्थडे मन गया और नानी चली गई हैं घर। और बस अब आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विद शर्मा फैब व्लॉग्स। बाय।